हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरसीआई ऑनलाइन क्लास, क्लास 10, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। टुडे वी आर स्टार्टिंग चैप्टर सेकंड, पॉलीनोमियल। पॉलीनोमियल चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं आज से। देखिए, पॉलीनोमियल, पॉली मीन्स मैनी एंड नोमियल्स मीन्स सीक्वेंसेस। इट मीन्स एल्जेब्रिक जो एक्सप्रेशन होते हैं हमारे पास, वो हमारे पास मैनी सीक्वेंस के अंदर आएंगे। इट मीन्स एक्सपोनेंट एंड वेरिएबल प्लस कॉन्स्टेंट की टर्म्स में। अब देखिए, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट, वेरिएबल्स आर डिफाइंड इन अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स में आप डिफाइन करोगे वेरिएबल्स को। फॉर एग्जाम्पल, ए B, C एंड डेट इज X, Y, Z। जितने भी हमारे पास 26 अल्फाबेट्स होते हैं हमारे पास, उसमें आप वेरिएबल्स को डिफाइन करते हैं। तो उसे हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स। और कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं हमारे पास, कॉन्स्टेंट्स नंबर्स की टर्म्स में आप जितने डिफाइन कर रहे हो वो कॉन्स्टेंट होगी। फॉर एग्जाम्पल, 5, -5, 3, -3 एंड एटसेट्रा, ये कॉन्स्टेंट होंगे हमारे पास। अब देखिए, जो एल्जेब्रिक सीक्वेंस है उसको हम अंडरस्टूड कर लेते हैं एक बार। हालांकि छोटी क्लासों में आपने पढ़ा होगा इक्वेशंस क्या होती है, जो हमारे पास इक्वल की टर्म्स में हो, या दिस साइड LHS एंड दिस साइड RHS, ये लेफ्ट हैंड साइड होता है और ये राइट हैंड साइड। मोस्टली लेफ्ट हैंड साइड में हम वेरिएबल्स को रखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में किसको रखोगे, मोस्टली वेरिएबल्स को। और राइट हैंड साइड में मोस्टली किस कौन सी टर्म्स होती है हमारे पास, कॉन्स्टेंट टर्म्स। ये लेफ्ट हैंड साइड में मोस्टली हम वेरिएबल्स पार्ट को रखते हैं और राइट हैंड साइड में मोस्टली हम कॉन्स्टेंट पार्ट को। और इंटरचेंज करने पर आपको पता ही है उनके साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड में डिवाइड मल्टीप्लाई, ये टर्म्स हमने पहले भी डिस्कस किए। अब देखिए, पॉलीनोमियल्स में जो जनरल फॉर्म होती है, आप पॉलीनोमियल्स को समझते हैं। पॉलीनोमियल्स के अंदर हमारे पास वेरिएबल, कॉन्स्टेंट, LHS, RHS, ये सारे टर्म्स आएंगे। इससे पहले हमने आपको समझा दी। पॉलीनोमियल्स, पॉली मीन्स मैनी, नोमियल्स मीन्स सीक्वेंसेस। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस कॉन्स्टेंट एंड वेरिएबल्स की टर्म्स में जो सीक्वेंस होता है उसे हम क्या बोलेंगे, पॉलीनोमियल। तो जनरल फॉर्म क्या होती है इसकी, ए एन एक्स पावर ऑफ एन प्लस ए एन माइनस वन, एक्स पावर ऑफ एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू, x power of n minus 2 plus a n minus 3, x power of n minus 3 and so on। तो जनरल टर्म्स हमारे पास पॉलीनोमियल की a n x power of n, a n minus 1 x power of n minus 1 and so on। अब देखिए, इसमें जो वेरिएबल है वो x है, वेरिएबल x। और जो हमारे पास ये वेरिएबल x है हमारे पास, इसमें ए एन, ए एन माइनस वन, ए एन माइनस टू, ये हमारे पास नंबर्स होंगे, लेकिन ये वेरिएबल के मल्टीप्लाई के फॉर्म में आएंगे नंबर्स। तो हम इन्हें क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट्स। तो ये क्या होंगे, कॉन्स्टेंट और कोफिशिएंट्स। आपको पता है जो कॉन्स्टेंट वेरिएबल की मल्टीप्लाई में आए उसे हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट्स। और जो सिंगल कांस्टेंट नंबर हो, प्लस में हो चाहे माइनस में, वो क्या होगा, कांस्टेंट। तो हेयर ए एन, ए एन माइनस वन, ए एन माइनस टू, ए एन माइनस थ्री, ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट और कोफिशिएंट्स। अब देखिए, जब आप एन की वैल्यू वन पुट करेंगे, पुट एन इक्वल टू वन, तो इसमें पुट करते हैं हम ए वन एक्स पावर ऑफ वन प्लस ए वन माइनस वन x power of 1 minus 1 plus a 1 minus 2 x power of 1 minus 2 and so on। Here, यहाँ पर जो आएगी हमारे पास टर्म्स, जो पावर नेगेटिव आएगी, देखिए 1 में से 2 माइनस करेंगे तो नेगेटिव, तो इसको हम ड्रॉप करेंगे, लेफ्ट करेंगे, छोड़ देंगे इसको, इस वाले पार्ट से। तो कहने का मतलब है, जो वैल्यू आप पुट करोगे वो सीक्वेंस में वहीं तक चलेगा। जैसे n इक्वल टू 1 है तो 1 तक चलेगा, n इक्वल टू 2 पुट करोगे तो 2 तक, क्योंकि आगे की टर्म्स क्या आएगी हमारे पास,
जो पावर्स के अकॉर्डिंग नेगेटिव पावर्स के टर्म्स में आएगी उसको हम ड्रॉप करेंगे, छोड़ देंगे। तो इसको हम ड्रॉप कर देते हैं, लेफ्ट कर देते हैं, ड्रॉप कर देते हैं बाकी। तो इसी पार्ट को हम कंसिडर करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करते ए वन एक्स प्लस ए जीरो एक्स पावर ऑफ। अब देखिए एक चीज आपको पता होना चाहिए, वेरिएबल या कॉन्स्टेंट की अगर पावर जीरो है तो उसकी वैल्यू है ऑलवेज वन होगी। वेरिएबल और कॉन्स्टेंट अगर उसकी पावर आपके पास जीरो है तो उसकी वैल्यू ऑलवेज क्या होगी, वन होगी। इस चीज को आपको याद रखना है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी वन। तो टर्म्स आएगी हमारे पास ए वन एक्स प्लस ए जी, ए वन एक्स प्लस ए जी। अब देखिए जैसे हमने कहा था ये नंबर ही तो है हमारे पास ए वन ए जीरो, ये कॉन्स्टेंट और कोफिशिएंट। अब ए जीरो तो कॉन्स्टेंट हो गया सिंगल ही आ रहा है, और ए वन जो नंबर है वो वेरिएबल के साथ आ रहा है, इट मीन्स ए वन कोफिशिएंट है किसका, एक्स का। तो हम इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं सिक्वेंस में, ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी, ये फॉर्म होगी जनरल फॉर्म किसकी होगी, लीनियर पॉलीनोमियल, लीनियर पॉलीनोमियल एन इक्वल टू वन। अब लीनियर पॉलीनोमियल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है एक्स इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, वन, सो इट इज कॉल्ड लीनियर पॉलीनोमियल। After that, we put n equal to 2. जो given sequence है हमारे पास उसमें हम क्या put करेंगे, n equal to 2. तो put करते हैं a2 x power a2 x square plus a2 minus 1 x 2 minus 1 plus a2 minus 2 x 2 माइनस पावर। अब देखिए जो आगे है वो नेगेटिव टर्म्स आएगी हमारे पास पावर के अकॉर्डिंग, तो उसको हम ड्रॉप करेंगे, छोड़ देंगे। तो कहने का मतलब जो वैल्यू आप पुट कर दो तो जनरल इक्वेशन में वहीं पर चलेगा, एन इक्वल टू टू है तो टू पर भी चलाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए वन एक्स वन प्लस ए जीरो एक्स पावर ऑफ। तो हमारे पास सिक्वेंस आएगा देखिए a2 x square plus a1 x plus a0। अब देखिए x power of 0 अभी हमने डिस्कस किया था, वेरिएबल या कांस्टेंट की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू ऑलवेज क्या होती, 1 होगी। तो ये 1 हो जाएगा हमारे पास। तो ये भी एक जनरल फॉर्म में हम डिस्कस कर लेते, देखिए हेयर a0 कांस्टेंट है, a1 कोफिशिएंट है किसका, x का, वेरिएबल x का, और a2 कोफिशिएंट है x स्क्वायर। अब इसको भी हम जनरल पे a b c अज्यूम कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये हमारे पास जनरल फॉर्म आ गई क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। अब देखिए उनकी जो वेरिएबल्स की पावर है उसी के अकॉर्डिंग उनका नाम होते हैं, जैसे वेरिएबल की पावर वन इट मीन्स लीनियर पॉलीनोमियल, इसमें वेरिएबल एक्स है और उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, टू, तो ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल की जनरल फॉर्म हो गया। ऐसे ही आप आगे भी पुट करोगे इसको, एन इक्वल टू थ्री पुट करते हैं, पुट एन इक्वल टू थ्री, ये हो जाएगा हमारे पास ए थ्री जनरल फॉर्म में आपको एन की वैल्यू क्या पुट करनी है, थ्री, तो हो जाएगा ए थ्री एक्स पावर ऑफ थ्री, ए थ्री माइनस वन एक्स पावर ऑफ थ्री माइनस वन प्लस ए थ्री माइनस टू एक्स पावर ऑफ थ्री माइनस टू प्लस ए थ्री माइनस थ्री एक्स पावर ऑफ थ्री माइनस। और जो आगे की इसके अंदर जो टर्म्स आएगी वो नेगेटिव एक्सपोनेंट की फॉर्म में आएगी, उसको हम लेफ्ट लेफ्ट करेंगे, ड्रॉप करेंगे। तो एन के एन इक्वल टू थ्री है तो थ्री तक ही चलेगा हमारे पास जनरल फॉर्म, आगे के टर्म्स हमारे पास क्या आएगी, नेगेटिव, उसको हम ड्रॉप करेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ए थ्री एक्स क्यूब प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए वन एक्स वन प्लस ए जीरो
एक्स पावर ऑफ, अब देखिए अगेन एक्स पावर ऑफ जीरो वैल्यू क्या होगी, वन, तो इसमें पुट कर देते हम, अब ये भी हमारे पास देखो इसको भी हम सिक्वेंस में अर्जुन कर लेते हैं ए बी सी डी, तो ये हमारे पास आ जाएगी ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस, ये जनरल फॉर्म आ गई हमारे पास क्यूबिक, मैक्सिमम पावर इसको कितनी है वेरिएबल की, थ्री, तो ये सब बोलेंगे क्यूबिक पॉलीनोम, क्यूबिक पॉलीनोम, जनरल फॉर्म क्यूबिक पॉलीनोमियल की आ गई हमारे पास, तो ये आपको जनरल जो टर्म्स है पॉलीनोमियल की ये आपको याद रखनी है, और इसी से ही हमारे पास लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड क्यूबिक इक्वेशन ड्राइव होती है, एन इक्वल टू वन पुट करोगे तो लीनियर पॉलीनोमियल हमारे पास फाइंड होगी, एन इक्वल टू टू पुट करोगे तो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल फाइंड होगी, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, एंड एन इक्वल टू थ्री पुट करोगे तो क्यूबिक पॉलीनोमियल फाइंड होगी। अब देखिए हमारे जो चैप्टर है पॉलीनोमियल में सबसे ज्यादा तो कंसिडर होगा ये होगा हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल और क्यूबिक पॉलीनोमियल, बहुत काम आने वाला है आगे, तो हमें जनरल फॉर्म इसको याद रखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एंड क्यूबिक की क्या होगी ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अब इसके बाद जितनी भी हमने पॉलीनोमियल्स फाइंड की थी लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक, लीनियर पॉलीनोमियल जनरल फॉर्म की होगी ए एक्स प्लस बी, अब इसको पी फॉर पॉलीनोमियल होता है, हमारे पास वेरिएबल कौन सा है इसमें एक्स, तो हम इसको ऐसे भी डिफाइन करते हैं पॉलीनोमियल्स पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ऐसे क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल को भी हम ऐसे डिफाइन करते हैं पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्यूबिक पॉलीनोमियल को भी हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं पी एक्स इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जो पी मीन्स क्या होता है पॉलीनोमियल, और इसके जो ब्रैकेट में होता है वो वेरिएबल होता है, जो गिवन इक्वेशन में वेरिएबल है उसी को पुट करेंगे, जैसे यहाँ पर एक्स है तो एक्स ही आया, वाई हो अगर वेरिएबल तो पी वाई हो जाए, फॉर एग्जाम्पल अगर इस फॉर्म में हमारे पास इक्वेशन है ए वाई प्लस बी, इट मीन्स पॉलीनोमियल जो वेरिएबल है वो कौन सा है वाई, ओके, तो इक्वेशन के अकॉर्डिंग वेरिएबल उसमें डिफाइन होता है पी मीन्स पॉलीनोमियल, और उसके अंदर जो ब्रैकेट का होगा वो गिवन इक्वेशन का वेरिएबल होगा। अब इसके बाद हम जीरो ऑफ पॉलीनोमियल फाइंड करते हैं, जीरो ऑफ पॉलीनोमियल, जीरो ऑफ पॉलीनोमियल्स कैसे फाइंड करते हैं, जो गिवन पॉलीनोमियल है जैसे फॉर एग्जांपल पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी का एग्जांपल लेते हैं, अब इसका अगर जीरो ऑफ पॉलीनोमियल फाइंड करना है, इट मीन जीरो ऑफ पॉलीनोमियल का मीन्स होता है कि गिवन पॉलीनोमियल को जीरो के इक्वल करेंगे, इट मीन्स पी एक्स इक्वल टू इसके होगा जीरो, जीरो ऑफ पॉलीनोमियल फाइंड करने के लिए गिवन पॉलीनोमियल किसके इक्वल होगा जीरो, जब पी एक्स इक्वल टू जीरो तो इसमें पुट करेंगे तो ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी इक्वल टू में जीरो, ए एक्स प्लस बी इक्वल टू में जीरो। अब जीरो पॉलीनोमियल फाइंड करने के लिए सीधा सीधा इसमें मीन्स होता है कि उस गिवन वेरिएबल जो इक्वेशन में वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड करें, तो यहाँ पर देखिए वेरिएबल हमारे पास एक्स है, इट मीन्स एक्स की जो वैल्यू है वो फाइंड कर लिया है ए एक्स, अब यहाँ पर क्या है कॉन्स्टेंट है बी प्लस का आर एच एस में ट्रांसफर करने पर उसके साइन चेंज हो जाएगी माइनस का हो जाएगा, वेरिएबल का मल्टीप्लाई में क्या है ए, जो चीज मल्टीप्लाई में होती है आर एच एस में उसको जाने पर वो मल्टीप्लाई किसमें चेंज हो जाएगा डिवाइड माइनस बी अपॉन ए, तो वेरिएबल की वैल्यू क्या आई हमारे पास माइनस बी अपॉन, तो सीधा सीधा मतलब होता है जीरो पॉलीनोमियल्स का सीधा मतलब क्या होता है गिवन इक्वेशन को आप जीरो के इक्वल करके उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करें। अब देखिए हेयर ये लीनियर इक्वेशन है वेरिएबल की पावर वन थी इसलिए इसका वन सॉल्यूशन आया, क्वाड्रेटिक में मैक्सिमम पावर क्या होती है टू, तो इसके सॉल्यूशन कितने आएंगे हमारे पास टू, क्यूबिक में मैक्सिमम पावर कितनी होती है थ्री, तो उसके सॉल्यूशन क्या होंगे थ्री होंगे,
इसके बाद वन बाय वन हम डिस्कस करते जाएंगे। अब एक एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लीनियर का कोई एग्जांपल लेते हैं, 2x + 3 जो गिवन पॉलीनोमियल है px = 2x + 3 है हमारे। अब इसमें हमें फाइंड करना है जीरो ऑफ पॉलीनोमियल, तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, px = 0 के करेंगे, गिवन पॉलीनोमियल को किसके इक्वल करेंगे, जीरो। तो इसका सीधा मीन क्या होता है कि गिवन इक्वेशन जीरो के इक्वल हो गई, 2x + 3 = 0, क्योंकि px की वैल्यू आप जीरो पुट करोगे तो 2x + 3 किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो। अब हमें इसके अंदर जो गिवन वेरिएबल x है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, प्लस के 3 को ट्रांसफर करेंगे माइनस का हो जाएगा, जो चीज मल्टीप्लाई में अवेलेबल के RHS में पहुंचने पर डिवाइड में चेंज हो जाएगी, मल्टीप्लाई किस में चेंज हो जाता है, डिवाइड में। अपोजिट साइन में रहते हैं ये आपको पता ही है, -3/2 एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, -3/2। अब इसको जीरो पॉलीनोमियल, जो x की जो वैल्यू आई है इसको जीरो पॉलीनोमियल भी बोलते हैं। अब क्यों बोलते हैं, देखिए जो वैल्यू आई है हमारे पास x = -3/2, अगेन उसको क्वेश्चन में पुट कर रहे पर ये जीरो दे, एक्स की वैल्यू -3/2 अगर गिवन क्वेश्चन में हम पुट करें एज इट इज, तो ये किसके इक्वल देगी वैल्यू, जीरो के इक्वल। पुट करते हैं px = 2x + 3, अब एक्स की वैल्यू हमारे पास -3/2, पुट कर देते हैं इसमें, पुट x = -3/2, ये हो जाएगा हमारे पास p - 3/2 = 2 × -3/2 + 2 से देखिए 2 कैंसिल कर सकते हो, -3 + 3 0, p - 3/2 0। तो कहने का मतलब है जो हमारे पास सॉल्यूशन आता है वेरिएबल का उसको हम चेक भी कर सकते हैं गिवन इक्वेशन में पुट करके, वो जीरो के इक्वल आएगा, अगर जीरो के इक्वल आएगा तो हमारा आंसर सही है, अदरवाइज रॉन्ग। तो इसलिए इसको जीरो बोलते हैं, क्योंकि जो सॉल्यूशन आते हैं वापस क्वेश्चन जब पुट करने पर वो किसके इक्वल आएगी, उसकी वैल्यू ऑलवेज जीरो की इक्वल आएगी। अब ऐसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होता है, ऐसे ही क्यूबिक में।